हाय गाइस, तो बात करेंगे हम कल की निफ्टी की एक्सपायरी की। और जनरली आई डोंट मेक दीज वीडियोस, बट अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि मैं रेगुलर जो एक्सपायरी ट्रेड हो रही है उसमें मेरा क्या व्यू है, कैसे ट्रेड ले रखा है, क्या क्या कर रहे हैं, तो अगर वो इंटरेस्टेड हो तो बता देना, ठीक है? मैं फिर इसको कंटिन्यू कर लूँगा। बट अभी अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो आज बहुत ही एक जिसे कह लो एक ऐसा सिनेरियो हुआ है जिसको मैनेज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, राइट? इवन निफ्टी, इवन इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी की पोजीशन। पहले तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो भाई टेलीग्राम पे आ जाओ, क्योंकि सारी चीजें यहीं पर होती है, ठीक है? बैंक निफ्टी की पोजिशन कुछ इस तरह बना ली थी हमने, बहुत ही छोटा ट्रेड करा बैंक निफ्टी के अंदर, एंड काफी वेट करने के बाद आईवी स्पाइक पे ट्रेड लिया। बट मैं निफ्टी को ट्रेड कर रहा था आज, कल के लिए निफ्टी की पोजिशन बिल्ड कर रहा था। तो निफ्टी ने आज क्या करा, ठीक है? पहले हम बैंक निफ्टी को अगर देखे तो ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी 670 पॉइंट नीचे, 650 पॉइंट नीचे गया, 820 पॉइंट ऊपर गया, और फिर 400 पॉइंट नीचे आया। तो आप समझ सकते हो कि इससे ज्यादा वॉलेटाइल शायद ही आपने कभी देखा होगा। बट क्योंकि अभी 3 4 महीने इलेक्शन का सब कुछ रहेगा, तो ये बड़ा कॉमन सा ट्रेड है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, ये सब नॉर्मल है इलेक्शन के टाइम, ठीक है? बट अब बात आती है कि इसको टैकल कैसे करना है, क्योंकि अगर आप देखो आज निफ्टी में भी क्या हुआ, ओपन हुआ हम 21850 के आस, फिर 700 तक गए, फिर 900 गए, और फिर 850 पे क्लोज। तो ये एक काफी टफ स्पॉट होता है मैनेज करने के लिए, आप कुछ कैसी मर्जी ट्रेड कर लो उसको मैनेज करना काफी मुश्किल है। तो हमने नीचे के आईवी स्पाइक पे ये पोजीशन बिल्ड करी थी, इसको पूरी तरह फ्री कर लिया। अब ये ट्रेड कहीं भी जाए 1000 रुपए का मेरे को प्रॉफिट तो देगा ही देगा, बट इन द सेंटर 51,000 है, जो कि ऑब्वियसली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, बट इसको मैं मैनेज करके थोड़ा सा इंक्रीज कर लूंगा, वो कल अपडेट सब कुछ टेलीग्राम पे, ठीक है? अभी पहले बात करते हैं निफ्टी की व्यू की, कल का व्यू क्या मेरा। तो अब देखो हमने जो ये 3 दिन का लो तोड़ा है ना, 4 दिन का सॉरी, 1 2 3 4, और ये चौथे दिन का जो लो है इतना मैटर क्यों करता है? पूरी मेजर सेलिंग के बाद ये लो था, ठीक है? इस लो को तोड़ा हमने, इस लो को तोड़ने का हमारा क्या हो गया था कि अब हमारे पास वीकनेस आ चुकी है। अब हमारे को आज जो बाइंग देखने को मिली है वो यहां से मिली है। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट समझ लो साइडवेज टू डाउनवर्ड्स है कल के लिए। अब वो डाउनवर्ड्स कितनी जा सकती है ये मार्केट को पता, अपवर्ड मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा, क्योंकि देखो अगर अपू सस्टेन होना होता वो आज ही सस्टेन हो लेता, ठीक है? अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखो, ये अप मूव जब आया था, ब्रेकआउट जो ब्रेकडाउन का लेवल था वहां तक गया, और वहीं से वापस रिवर्सल लिया, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हम वापस से 700 को जाकर टेस्ट करें, जो कि आज का लो है, ठीक है? जो बैटल हो सकता है वो 800 750 700 पे हो सकता है। हाँ, अगर हम कल का लो भी तोड़ते हैं तो वीकनेस बढ़ती जाएगी, और वहां पर थोड़ा सा मामला डगमगाएगा कि हो सकता है मार्केट बहुत ज्यादा वीक हो रही हो। बट मेरे हिसाब से हमने एक अच्छी करेक्शन, एक अच्छी सेलिंग देखने को हम देख चुके हैं, ठीक है? फ्रॉम द टॉप अगर मैं हिसाब लगाऊं, इफ करेक्टेड 3.25%। हो सकता है एक लास्ट झटका दे, बट एक दिन साइडवेज उसको रहना पड़ेगा। हो सकता अगर हम गैप अप खोलेंगे, देखो अगर हम गैप अप खोलते हैं और फिर हम डे हाई तोड़ते हैं इसका, तो वहां से मेरे हिसाब से हम हो सकता है रिवर्सल के लिए रेडी हो। लेकिन अगर हम मान लो फ्लैट खोलते हैं तो फिर हमारे को देखना पड़ेगा मार्केट अपने साथ साथ उसको कहाँ लेके जा रही है। ऑल्दो मेरा ये ट्रेड पूरी तरह फ्री है, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे वो सब मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, बट मेरा यही प्लान है कल के लिए कि कल के लिए मैं जब तक मैं कल का डे हाई या डे लो नहीं तोड़ता, मैं उसको उसी रेंज में ट्रेड करना पसंद करूंगा, ठीक है? ये रेंज कितनी है, कैलकुलेट कर लेते कितने पॉइंट की रेंज है, 220, ठीक है? और अगर मैं स्ट्रैडल देखूंगा कि स्ट्रैडल की प्राइसिंग क्या चल रही है, 147, विच इज प्रिटी गुड। 147 की प्राइसिंग अगर क्लोजिंग पे आ रही है तो ठीक है, इलेक्शन के हिसाब से हल्की सी कम है बट इतनी बुरी नहीं है, ठीक है ना? पूरा दिन देखो कोई डीके देखने को नहीं मिला, पूरा दिन तर 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 तर, राइट? तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसी वीडियोस अच्छी लगी मतलब ऐसा कुछ बढ़िया लगता है व्यू वगैरह, तो बता देना, मैं
रेगुलरली डाल दिया करूंगा। थैंक यू।